हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मिर्जान फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कुमटा तालुक में मिर्जान नाम का एक गांव है। दोस्तों, वहां पर एक बड़ा सा फोर्ट है, आज हम उसी को देखने जा रहे हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, मिर्जान फोर्ट तक जाने से पहले हम उसका लोकेशन थोड़ा मैप में देख लेते हैं। चलिए, मैं इंडिया में जूम करता हूँ और फिर मैं कर्नाटक में जूम करूँगा। दोस्तों, ये जो मिर्जान फोर्ट है, मंगलोर से गोवा जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 66 में मिर्जान नाम के गांव में है और नेशनल हाईवे से ये आधा किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आप यहां पे जो देख रहे हैं, ये मंगलोर है और यहां पे गोवा है। मंगलोर से जो गोवा जाने वाली मेन नेशनल हाईवे है, इसमें हमें कुमटा तालुक में मिर्जान फोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, चलिए जूम करते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, होन्नावर कुमटा अंकोला ये जो मेन रोड है, हमें यहाँ पे मिर्जान मिल जाता है। चलिए जूम करते हैं। देखिए दोस्तों, हाईवे नंबर 66 है, ये नेशनल हाईवे है, मंगलोर से गोवा जाने वाला रोड है ये। यहाँ पे आपको मिर्जान गांव मिलेगा। इस मिर्जान गांव से आपको इस रोड में आना है। दोस्तों, इस रोड में आने के बाद यहाँ पे आपको मिर्जान फोर्ट मिल जाएगा। चलिए थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यही मिर्जान फोर्ट है, हमें अब यहाँ तक जाना है। दोस्तों ये जो फोर्ट है, कुमटा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, और ये गोकर्ण से भी नज़दीक होता है। चलिए दोस्तों, लोकेशन पे चलते हैं। दोस्तों, हम अब मिर्जान फोर्ट तक आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये फोर्ट कितना बड़ा और हरा भरा दिख रहा है, और ये मानसून के सीजन में ऐसा ही रहता है। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ फोर्ट ही नहीं बल्कि उसके आसपास की जगह भी आपको हरे भरे दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ पे विजिटिंग आवर्स भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 AM से लेके 6 PM तक आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं। ये जगह शहर से बहुत दूर न होने के कारण यहाँ पे कई सारे विजिटर्स हर रोज़ विजिट करते हैं। आपको इस पोर्ट के नज़दीक ही खेत और बहुत सारे घर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यही है इस पोर्ट का एंट्रेंस, हमें इसी गेट से अंदर जाना होगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम गेट खोल लेते हैं और अंदर जाके इस पोर्ट का पूरा नज़ारा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस सीढ़ियों के दोनों साइड के जो दीवारें हैं, वो अभी आपको ग्रीन ही नज़र आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे वो जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, वो ही अंदर जाने का रास्ता है। दोस्तों, चलिए अंदर जाने से पहले साइड से थोड़ा इस पोर्ट का नज़ारा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से पोर्ट कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ आने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, चले दोस्तों, इस दरवाज़े के ज़रिए हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, अगर हम इस किले की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इसके हिस्ट्री के कई सारे वर्शंस हमें मिल जाते हैं। एक हिस्ट्री के मुताबिक इसको सन 1200 में नवायत सुल्तानेट्स द्वारा बनाया गया था, और बाद में इनकी मरम्मत 1608 में विजयनगर के राजाओं ने किया था। और दूसरे वर्शन के मुताबिक ये भी कहा जाता है, इसको 1552 से 1606 तक इंडिया की पेपर क्वीन कहने वाली श्री चन्नबायरा देवी के ज़माने में कंस्ट्रक्शन किया था, और उसने विजयनगर साम्राज्य के अंडर में रहकर इसकी कंस्ट्रक्शन किया था और 54 इयर्स तक इस पर राज किया था। और एक वर्षन में ऐसा कहा जाता है कि बीजापुर के शरीफ उल मुल्क ने इस किले को बनवाया था। और इसका और भी एक वर्षन है, और उसमें कहा जाता है कि ये फोर्ट विजयनगर साम्राज्य का था, बाद में इसको बीजापुर सुल्तानों ने कब्जा कर लिया, और उसके बाद ये फोर्ट गोवा के गवर्नर के हाथ में था, और उसके बाद यहाँ पे केड़दी राजाओं का राज चलता था, और उसके बाद 1757 में इस किले को मराठाओं ने कब्जा कर लिया था, और वैसा ही चलते बाद में इसको 1784 में ब्रिटिशों ने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, वो जो दीवार के उस पार इसका अंदरूनी हिस्सा है, वहाँ पर भी हम बाद में जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले बड़े बड़े इमारत होते होंगे, हमलावरों के कारण अभी ये सब नष्ट हो चुके हैं। शायद यहाँ पे कोई महल हुआ करता था दोस्तों पहले। देखिए, अब सिर्फ टूटा फूटा अवशेष ही रह चुका है, और आप लोग एक कुआं भी देख सकते हैं वहाँ पे, शायद उस कुएं से पीने के लिए पानी लाते होंगे। देखिए दोस्तों, इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ के फ्लैग होस्टिंग करते हैं वहाँ पे। यहीं पे पहले इस किले का फ्लैग लहराता था, और यहाँ पे अब स्वतंत्र दिवस और गणराज्योत्सव के दिवस पर यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया जाता है। दोस्तों, अब तक जो आपने देखा, ये इस किले का थोड़ा बाहर वाला हिस्सा था। अब हम राइट साइड में चलते हैं।
मतलब इस दीवार के उस पार चलते हैं, वहाँ पर हमें अंदर वाला हिस्सा देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हैं यही है इसका मेन सेक्शन। न जाने पहले यहाँ पे कितने महल होते होंगे और उनकी हिफाजत कितनी अच्छी तरह से हुई होगी दोस्तों, क्योंकि इस महल के चारों तरफ में किला है। अब देखिए यहाँ पे लगातार हमलों के कारण कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों यहाँ पे कई सारे अंडरग्राउंड रास्ते और सुरंग मार्ग भी थे, लोगों के सुरक्षा के कारण अब इनको बंद कर दिया गया है। देखिए दोस्तों ये किला का कितना बड़ा इलाका है और यहाँ पे पहले जमाने में सभी सुविधाएं होती होंगी। दोस्तों वो जो पेड़ आप बीच में वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे महिषासुर मर्दिनी का टेम्पल है दोस्तों, और हर रोज यहाँ पे पूजा भी किया जाता है। बहुत सारे लोग जो इस किले को विजिट करते हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं। देखिए दोस्तों यही वो टेम्पल है और इस टेम्पल के पीछे एक बड़ा सा कुआं है दोस्तों। शायद ये पूरे महल के लिए पानी का जरिया होता था और ये इस कुएं को जाने वाला रास्ता है। फिलहाल अब इसको बंद कर दिया गया है और इस कुएं में पूरा साल पानी रहता है। देखिए दोस्तों ये कितना बड़ा कुआं है और इसको किस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों इस कुएं को सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी बंद कर दिया गया है ताकि जो विजिटर्स आते हैं इसमें कोई कचरा न फेंके। देखिए दोस्तों इस पोर्ट का 45% हिस्सा तो खराब हो चुका है, जो भी बचा कुचा हिस्सा है उसकी मरम्मत अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। देखिए ये इस पोर्ट का पिछला वाला हिस्सा है, आप यहाँ पे रोड भी देख सकते हैं और वहाँ पे आपको दूर में खेत भी नज़र आ जाएंगे। देखिए किले का दीवार यहाँ पे पूरा गिर चुका है और उन पे पेड़ पौधे भी उग चुके हैं। दोस्तों अगर आप एक साइड से इस किले को देखेंगे तो नज़ारा कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। दोस्तों ये प्लेस गोकर्ण के नज़दीक होने के कारण गोकर्ण को जो भी विजिटर्स आते हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं दोस्तों। बारिश के सीजन में यहाँ पर आने का मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। देखिए इस डायरेक्शन से भी ये पोर्ट कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे यात्रियों के लिए कई सुविधाएं हैं, जैसे कि पीने का पानी और वॉशरूम भी यहाँ पे अच्छी तरह से बनाया गया है। दोस्तों कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में बहुत सारे देखने लायक प्लेसेस हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। अगर आप इन प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको गाड़ी की और फूड की और रहने के भी इंतजाम हम करा देंगे। अगर आप लोग इन प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।